हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्राइटनिंग और ग्लोइंग फेशियल हम घर पे कैसे कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है एंड मोस्टली आपको सब कुछ घर पे ही मिल जाएंगी। एक दो चीज़ें हैं जो शायद आपको ऑनलाइन खरीदने पड़े, बट वो भी इनएक्सपेंसिव और नेचुरल है। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फेशियल स्टार्ट करने के पहले आई ऑलवेज यूज़ अ हेयर बैंड। सो हमारे हेयर में कुछ मास्क वगैरह ना लग जाए। क्लेंजिंग के लिए आपको चाहिए 1/2 टीस्पून बेसन और 1/2 टीस्पून दही। इसको आप मिक्स कर ले और ये आपका क्लेंजर तैयार हो जाएगा। बेसन आपके स्किन को डीपली क्लेंज करता है और दही आपके स्किन को ग्लोइंग बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लेंजर जो हमने बेसन और दही से बनाया है। इसको हम पूरे फेस पे लगा लेंगे, इवन अंडर आइज में। एंड देन इसको जैसे आप क्लेंजर को यूज़ करते हैं वैसे ही आप मसाज करके फेस को क्लीन करिए। सो एक क्लेंजर को 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे अपने फेस पे 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसको आप वॉश करके पैड ड्राई कर दीजिए। सो गाइस, मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है। अभी ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। अभी हम हमारे स्किन को डीपली क्लेंस कैसे करें, तो सेकंड स्टेप फेशियल का होता है स्टीम करना। स्टीमिंग के लिए अगर आपके पास फेशियल स्टीमर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल पतीले में पानी गर्म करके उसके ऊपर टॉवल रख के मैं स्टीम कर लेती हूँ 10 to 12 मिनट्स के लिए। स्टीमिंग से आपके पोर्स के अंदर जो एक्स्ट्रा डर्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, वो बाहर निकल आती है और उसके बाद आप फेस पैक और स्क्रब कर सकते हैं। तो इससे आपका फेस डीपली क्लेंस होगा। स्टीमिंग के बाद यू कैन सी मेरा फेस एकदम रेड हो गया है और स्किन एकदम सॉफ्ट भी हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि जो आपके पोर्स के अंदर ऑयल्स है, सीबम है, डर्ट है, वो अभी सरफेस पे आ गई हैं। तो इसके बाद स्क्रब करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल द इम्प्योरिटीज़ आर टेकन अवे फ्रॉम योर फेस। और इफ़ यू हैव वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नोज पे या चिन पे, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सट्रैक्ट इट। सो व्हाट आई यूज इज़ अ वाइट हेड रिमूवर और जेंटली इसको नोज के ऊपर से आई विल एक्सट्रैक्ट द वाइट हेड्स और चिन पे भी। चिन पे एक्चुअली वाइट हेड्स नहीं होती है मुझे, इट्स लाइक थोड़े से क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, सो वो क्लीन हो जाता है। फिर अगर आपके चीक्स पे थोड़े क्लॉग्ड पोर्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट फील कहाँ पे थोड़ा क्लॉग्ड लग रहा है एंड देन यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट एरिया। फिर स्टीम करने के बाद फोर्थ स्टेप होता है स्क्रब। नेचुरल स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए राइस पाउडर, मिल्क और हनी। उसको मिक्स करके ये कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ये स्क्रब को कैसे बनाते हैं इसका डिटेल्ड वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो आप वो ज़रूर चेक करिए। तो स्क्रब बनाने के बाद आई विल अप्लाई इट ऑन माई फेस और हल्के से इसको एक्सफोलिएट करना है। Be very gentle on your skin. Then I like to keep this on my face for 10 to 12 minutes और उसके बाद with normal water I will wash it off and pat dry. तो मैंने अभी मेरा scrub wash off कर लिया है। My skin is feeling so smooth and आपको शायद दिख ही रहा होगा कि स्किन कितना ब्राइट और क्लीन लग रहा है। स्क्रब के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फेस पैक। ये डीप क्लेंजिंग फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेंटोनाइट पाउडर और थोड़ा सा रोज वाटर, उसको मिक्स करने के लिए। बेंटोनाइट पाउडर आपको ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। बेंटोनाइट पाउडर एंटी एजिंग है और ये इम्प्योरिटीज़ और डेड स्किन सेल्स बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करती है। सो अब हम ये बेंटोनाइट फेस पैक को अपने स्किन पे लगाएंगे। मेक श्योर आप ये इवनली लगा रहे हो। ये
ये मास्क को भी मैं 10 to 12 minutes दूंगी और अनटिल एंड अनलेस ये ऑलमोस्ट ड्राई ना हो जाए, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश और फिर पैट ड्राई। सो गाइस, फेस पैक के बाद नेक्स्ट स्टेप है मसाज जेल। मसाज जेल बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा और लेमन जूस। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको काट के मैं स्ट्रेनर में इसका जेल निकाल लेती हूँ। और उसमें आई ऐड थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स। उसको मिक्स करके ये आपका मसाज जेल रेडी हो जाएगा। सो अब हम ये मसाज जेल को अच्छी तरीके से स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। एंड देन जेंटली गिव योर फेस अ मसाज। आप ऐसे अपवर्ड्स डायरेक्शन में यू कैन मसाज योर फेस एंड विथ टू फिंगर्स ऑल ओवर द टेम्पल्स एंड द चीक्स एंड डोंट फॉरगेट योर नेक। ये मसाज जेल को लगाने के बाद आई डोंट वॉश ऑफ माई फेस। मैं इसे 30 to 40 minutes या तो एक घंटा अपने फेस पे ही रखती हूँ और उसके बाद आई वॉश इट ऑफ बिफोर स्लीपिंग। इसके बाद आपका डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज एलोवेरा में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। सो आई विल जस्ट लीव माई स्किन एज इट इज़। सो गाइज, अगर आपको DIY एट होम फेशियल्स अच्छी लगती हैं सो ये रूटीन ज़रूर आप ट्राई करिए। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और DM या मैसेज मुझे ज़रूर करिए इफ़ यू हैव फॉलोड दिस रूटीन। होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।